इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ कप साबूदाना लिया हुआ है। ये स्पेशल फ्राई करने के लिए ही आता है साबूदाना, जिसके साथ आप चाट बना सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होती है। साथ ही मैंने एक उबला हुआ बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। दो हरी मिर्च लिया हुआ है, जिसे मैंने कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, जिसके सीड को निकाल दिया है। इसके बीज को निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। यहाँ धनिया का पत्ती लिया हुआ है मैंने। साथ ही मैंने लिया है 1/4 टीस्पून काला नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून नींबू का रस लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून इमली का चटनी लिया हुआ है। यहाँ मैंने चाट मसाला लिया हुआ है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा साबूदाना डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा साबूदाना नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं साबूदाना बहुत अच्छी तरीके से फूल गया हुआ है। तो चलिए हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे तरीके से कुक नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब ये अच्छी तरीके से फूट जाए तब हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि अंदर तक ये अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाए और दांतों में चिपके नहीं। अदरवाइज़ अगर आप हाई फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएगा और खाते समय दांतों में चिपकेगा। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए साबूदाना को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह मैंने सभी साबूदाना को फ्राई कर लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे भी प्लेट में डाल देते हैं। सभी साबूदाना को फ्राई करने के बाद अब हम एक बड़ा सा प्लेट ले लेंगे। इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, कटा हुआ टमाटर उबाल कर, कटा हुआ आलू, साथ ही डालेंगे धनिया का पत्ता, स्वाद के हिसाब से काला नमक, नींबू का रस, इमली की चटनी, चाट मसाला 1/2 टीस्पून के जितना। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे फ्राई किया हुआ साबूदाना। इसे भी हम फटाफट से मिक्स करेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से अपनी हाथों से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर रेडी किया है, ताकि कोई भी इसे आसानी से बनाकर खा सके। आप चाहें तो इसके अंदर जो बेसन का सेव होता है पतला वाला बारीक वाला, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए मैं एक साबूदाना को तोड़ कर दिखाती हूँ कि यह क्रंची बना है या नहीं। आप देख सकते हैं
बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी होता है। अगर आप इसे फ्राई करते समय आप जब इस साबूदाना को डालते हैं कढ़ाई में, तो उसमें तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम के ऊपर इसे डालना है। डालने के बाद जब ये अच्छी तरीके से फूट जाए, जब ये फूलकर बड़ा बड़ा साइज हो जाए, तब हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम करने के बाद हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। तब ये बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी दांतों में चिपकता नहीं है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।